करेंगे रेशियो के नेक्स्ट सब टॉपिक की, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है, प्रोपोर्शनलिटी। वो था प्रोपोर्शन पढ़ा था हमने, ये प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, कि एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई। अगर ये दिया है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, तो इसको कैसे लिखते थे? ये फिजिक्स का वैसे पार्ट है, 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें, लेकिन इसमें कहीं कहीं एक आध सवाल बन जाता है। तो कैसे लिखते थे? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता था। और जब मैं इसको हटाता था तो एक्स इज इक्वल टू, इसके बदले में प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के बदले में मुझे क्या मिलता था? एक्स इज इक्वल टू का साइन और के क्या मिलता था? कांस्टेंट। के क्या क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो क्या था? अगर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, इज इक्वल टू बाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, इसको ऐसे पढ़ेंगे। फिर जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको हटाने के लिए इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के वाई हो जाता है। और के यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। के यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टेंट हो गया होता है। अगर मैं बात करूँ दो वैल्यू की, जो कि एक्स वन और एक्स टू रही होंगी, एक्स वन और एक्स टू रही होंगी, और एंड बाई की वैल्यू एक्स पे, एक्स वन पे बाई की वैल्यू बाई वन रही होगी, और एक्स टू पे बाई की वैल्यू बाई टू रही होगी। एक्स वन पे एक्स वन पे बाई की वैल्यू बाई वन रही होगी, एक्स टू पे बाई की वैल्यू बाई टू रही होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स वन इज इक्वल टू, मैंने भी बताया, इज इक्वल टू के बाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, इज इक्वल टू के वाई वन। और एक्स टू को कैसे लिखेंगे? एक्स टू इज इक्वल टू के बाई टू। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ ऊपर, तो यहाँ से के से के कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वन अपॉन एक्स टू क्या आ जाएगा? बाई वन अपॉन बाई टू। मतलब क्या समझ में आया यहाँ से? अगर दोनों चीज़ें किसमें हैं, अगर दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो दो का रेशियो चाहिए, दो एक्स की वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो क्या होगा? एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई वन अपॉन बाई टू के इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग का ये रेशियो इक्वल होगा। अभी इस चीज़ को और देखेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हो गया इसका, एक इसमें कॉन्सेप्ट और होता है, फिर इस पर कुछ सवाल करेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक्स इज इनवर्सली, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई, अगर एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई दिया है, तो क्या होगा? एक्स इज ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली का मतलब क्या हो जाएगा? वन अपॉन बाई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे? एक्स इज ये वन अपॉन बाई का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्ट, और ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन अपॉन बाई। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू के टर्म्स में मैंने बताया था, इक्वल टू आ जाता है और एक कॉन्स्टेंट आता है के, तो के इंटू वन अपॉन बाई, दैट इज के अपॉन बाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपॉन बाई। अगर दो वैल्यू की, एक्स वन और एक्स वन पे इसकी वैल्यू बाई वन है, और एक्स टू पे इसकी वैल्यू बाई टू है, तब क्या होगा? अगर एक्स वन पे इसकी वैल्यू बाई वन है, और एक्स एक्स टू पे इसकी वैल्यू बाई टू है, तो एक्स वन इज इक्वल टू के अपॉन बाई वन, और एक्स टू इज इक्वल टू के अपॉन बाई टू। तो यहाँ पे एक्स वन, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, तो के से के कट जाएगा और ये बाई टू ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू अपॉन वाई वन। अब इस पर कुछ सवाल करेंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई के इक्वल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। फिर इसके बाद अगर मैं दो वैल्यू की बात करता हूँ, एक्स वन पे बाई वन वैल्यू रही होगी बाई की, और एक्स टू पे बाई टू वैल्यू रही होगी बाई टू वैल्यू रही होगी बाई की, तो एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू अपॉन बाई वन होगा, और एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू अपॉन बाई वन है अगर, तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? पिछले वाले केस में क्या आ रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या आ रहा था? एक्स वन अपॉन एक्स टू
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो उसमें क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके केस में एक्स वन अपॉन एक्स टू, मतलब अगर ये एक्स वन है तो इसके करस्पॉन्डिंग बाई वन ही ऊपर आएगा और एक्स टू है तो इसके करस्पॉन्डिंग बाई टू नीचे आएगा। लेकिन इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है, इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल में, इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दो चीजें, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगी वैल्यू, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग क्या होती थी, बाई वन मानी थी मैंने पिछले केस में भी, और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग में भी क्या मानी थी, बाई टू, तो बाई वन जो इसके करस्पॉन्डिंग में जो है वही आएगा। लेकिन इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब केस बनता था तो अपोजिट हो जाता था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या हो जाता है, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, बाई टू, तो वो नीचे जाएगी, और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग में कौन सी वैल्यू है, बाई, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग में बाई टू है, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग में बाई वन है और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग में बाई टू है, तो बाई टू ऊपर आ जाएगा और बाई वन नीचे आएगा, और ये क्या हो गया, ये दोनों कंडीशन बन गई, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो अब इस पर कुछ सवाल करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी पे क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई है एंड वेन एक्स इज टू, तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से जो बातें दी उनको लिखना है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, ये लिख लिया, तो एक्स इज इक्वल टू के बाई, एक्स इज इक्वल टू के बाई, एंड वेन एक्स इज टू देन बाई इज थ्री, जब एक्स की वैल्यू टू है तो बाई की वैल्यू कितनी है, थ्री है, जब एक्स की वैल्यू टू है तो बाई की वैल्यू थ्री है, तो पहले मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू क्या रही होगी, एक्स वन रही होगी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, पहले मैं करता हूँ एक्स वन इज इक्वल टू के बाई वन और एक्स टू इज इक्वल टू के बाई टू, ऐसे ही तो लिखते थे अगर पिछले केस में आपको याद हो, तो एक्स वन जब टू है तो बाई कितना है, मैं तो इसको डायरेक्ट बता दूंगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे इसको, पहले इसको बेसिक से सीखेंगे, फिर इसको शॉर्ट में करना सीखेंगे। एक्स वन इज इक्वल टू के बाई वन, अगर एक्स वन इज इक्वल टू के बाई वन तो एक्स की वैल्यू उस केस में कितनी है, एक्स वन की वैल्यू में कितनी मान लेता हूँ, एक्स वन की वैल्यू टू मान लेता हूँ, और बाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग है, और एक्स टू की वैल्यू कितनी दी है आपको, फोर दी है, और पूछा क्या है, बाई टू पूछा है। अब यहाँ पे मुझे एक्स वन दिया, एक्स टू दिया है, और एक्स वन दिया है, बाई वन दिया है, बाई टू की वैल्यू पूछी है, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले अगर इस इक्वेशन में रखता हूँ वैल्यू टू इज इक्वल टू के इंटू थ्री, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू पता लग गई, के की वैल्यू पता लग गई कि नहीं लग गई, के इज इक्वल टू टू बाई थ्री। अब के तो हर केस में सेम होगा क्योंकि इन दो सा इस कंडीशन में के जब पार्टिकुलर सवाल के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन, तो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मुझे बाई टू की वैल्यू चाहिए, अब मुझे एक्स टू की पता है और बाई की एक के की भी पता है, तो मुझे बाई टू की पता लग जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, अब एक्स टू की वैल्यू फोर है, एक्स टू की वैल्यू अगर फोर है और के की जगह मैंने क्या रख दिया नीचे वाले क्वेश्चन में, टू बाई थ्री इंटू बाई टू, ये टू टाइम्स जाएगा और बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। अब मैंने क्या करा, पहले मैं बताता हूँ, सवाल में जैसा जैसा दिया है मैंने वैसा वैसा लिख दिया, क्या दिया था सवाल में, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई दिया था, तो एक्स एक्स को प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के, साइन को हटा के हमने क्या इक्वल टू और के यूज़ कर लिया, ये फिजिक्स ये ऐसा यूज करते हैं, जब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का जब भी सिंबल हटाते हैं तो इज इक्वल टू के का साइन, के कॉन्स्टेंट आता है बीच में, तो एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के वाई वन, तो एक्स इज इक्वल टू के वाई वन, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू पता लग गई पहले वाले केस से कि एक्स वन की वैल्यू टू थी और बाई वन की वैल्यू थ्री थी, और के की वैल्यू मुझे टू बाई थ्री पता लग गई, फिर एक्स टू की वैल्यू फोर है और के की वैल्यू टू बाई थ्री है, तो मुझे बाई टू की वैल्यू भी पता लग गई कितनी आ गई, सिक्स आ गई। अब मुझे बाई टू की वैल्यू पता लग गई, अब मुझे पूछा ही क्या था, बाई टू पूछा था तो सिक्स आ गई। एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का ऐसा, अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ उसको आपको करना है,
ये तो बेसिक मेथड है। शुरुआत में आपको इसी से करना चाहिए जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप कैसे करोगे इस सवाल को मैं बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एक्स अपॉन, अब मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी इधर भी लिखा था, लेकिन फिर भी आपको बार बार लिखता हूँ याद हो जाए आपको। एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू के बाई वन अपॉन के बाई टू हो गया है, तो के से के कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट है वो तो हर कंडीशन में सेम रहेगा के से। तो अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई वन अपॉन बाई टू आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इतना आ गया अगर, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक्स वन की वैल्यू पता थी क्या है, टू है। एक्स वन की वैल्यू क्या है, टू है। बाई वन की वैल्यू क्या है, थ्री है। और एक्स टू की वैल्यू क्या है, फोर है। तो मुझे बाई टू की वैल्यू भी बतानी है क्या होगी। अगर एक्स वन की वैल्यू टू है अगर, और एक्स टू की वैल्यू कितनी है, फोर है, और मुझे बाई वन की वैल्यू दी है कितनी है, थ्री है। बाई वन की वैल्यू मुझे कितनी दी है, थ्री है। तो मुझे क्या बताना है, बाई टू की वैल्यू बताना है। तो वन अपॉन टू, तो यहाँ से कितना हो गया, बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, सिक्स के इक्वल होगी। या मैं ऐसे भी कर देता, मैंने देख के आंसर कैसे बताया था शुरुआत में सिक्स होगा, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा एक्स एस टू बाई कितना दिया, टू एस टू थ्री, टू एस टू थ्री दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें। तो ये टू की वैल्यू हो गई, तो टू की वैल्यू अगर फोर है तो थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। मैंने ऐसे भी कर दिया। और वो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, अगर आप इसको नीचे लेके आओगे, एक्स अपॉन बाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन बाई टू, तो यहाँ से एक्स वन अपॉन बाई वन कितना आ रहा है, टू अपॉन थ्री आ रहा है। यहाँ से एक्स वन अपॉन बाई वन कितना आ रहा है, टू अपॉन थ्री। एक्स वन अपॉन बाई वन इज इक्वल टू टू वन टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन बाई टू। और यहाँ पर मुझे एक्स टू की जगह ये एक्स टू अपॉन बाई टू का रेशियो मिल गया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फोर है अगर, तो ये टू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थ्री थ्री को रिप्रेजेंट क्या करेगा, अगर टू की वैल्यू फोर है तो थ्री की वैल्यू कितनी होगी, सिक्स होगी। यहाँ से भी डायरेक्ट नहीं समझ में आया, तो ये बिल्कुल ये पिछले वाला बहुत बेसिक था, ये सही मेथड है बिल्कुल। यहाँ से आप हर चीज़ को भी लॉजिकली सॉल्व कर पा रहे हो। कैसे करा, यहाँ पे इसको डिवाइड दे दिए। पहले तो हमें क्या लिखनी है, जो प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन है उनको लिखनी है, फिर उनको जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़्यादा डायरेक्ट ही ऐसा लिख पाएंगे। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इस पर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू बाई इज इक्वल टू थ्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई। अब वैल्यू यहाँ से कुछ भी ऑप्शन का वो ऐसे बन जाएंगे कि फ्रैक्शन में चले जाएँ, तो कुछ नहीं है, तो बस कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मैंने बताया था जब भी चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेंगी तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के अपॉन बाई। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो एक्स वन इज इक्वल टू के अपॉन बाई वन, बाई वन के अपॉन बाई वन। एक्स टू इज इक्वल टू के अपॉन बाई टू आ गया। अगर एक्स वन इज इक्वल टू के अपॉन बाई वन आ गया, एक्स टू इज इक्वल टू के अपॉन बाई टू आ गया। अब मुझे पता है एक्स वन की वैल्यू मुझे कितनी दी है सवाल में, मुझे पता है अगर मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो एक्स टू की पता, तो मुझे बाई टू की पता लग जाएगी। पहला तरीका, अगर मैं के की एक्स की एक्स वन की वैल्यू पुट करता हूँ टू, अब ये तो सभी को पता ही है एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन की वैल्यू टू है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बाई इज इक्वल टू थ्री, तो बाई वन बन जाएगा ये। बाई वन की वैल्यू थ्री है और एक्स एक्स टू की वैल्यू फोर है, और तो बाई टू की वैल्यू क्या होगी मुझे ये बताना। अब एक्स वन की वैल्यू टू रख दी मैंने, और के अपॉन बाई वन की जगह क्या रख दिया, थ्री रख दिया, तो के इज इक्वल टू सिक्स आ गया। अब के इज इक्वल टू सिक्स आ गया तो यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू क्या है, फोर है, और फोर सिक्स अपॉन बाई टू, तो बाई टू की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई, या टू टाइम्स या थ्री टाइम्स मुझे क्या मिल गया, बाई टू की वैल्यू मुझे, हाँ तो ये बाई टू की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये इधर जाएगा, तो बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री अपॉइंट टू आ जाएगी। एक करने का ये तरीका हुआ कि पहले मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी, फिर मैंने वहाँ से के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, के की वैल्यू निकालने के बाद फिर यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में के की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से बाई टू की वैल्यू आ गई। अब इसको दूसरे का दूसरा करने का इसका तरीका क्या हुआ कि अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और आप ऐसा तरीका आपके तभी दिमाग में आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, तो आपके दिमाग में चीज़ें आने लगेंगी। प्रैक्टिस आपको वही करनी है जो मैं सीट दूंगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना। हाँ अगर आप अपनी मर्जी से फिर भी चाहते हैं तो आप किसी भी बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ इसकी, तो एक्स इज इक्वल एक्स वन अपॉन एक्स टू की वैल्यू क्या होगी,
क्योंकि अब मैं लिख एक्स वन अपॉन एक्स टू की वैल्यू मैंने इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल में बताया था क्या होती है, एक्स वन अपॉन एक्स टू अभी मैंने लिख के बताया सब कुछ। अब तो मैं डायरेक्ट करूँगा बाई वन बाई टू अपॉन बाई वन, एक्स वन को रिप्रेजेंट कर रहा था बाई वन तो वो नीचे पहुंच जाएगा इन्वर्सली के में, लेकिन डायरेक्टली के में वो रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव भी इधर आ जा रहा था। तो अब मैं इसकी बात करूँ तो एक्स, अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू के अपन बाई वन करके, एक्स टू इज इक्वल टू के अपन बाई टू करके और उनको दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे यही वैल्यू आएगी। तो एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू अपॉन बाई वन, अगर एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू अपॉन बाई वन देन टू अपॉन फोर इज इक्वल टू बाई टू अपॉन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू हो जाएगा, वन अपॉन टू हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर टू बाई टू इज इक्वल टू थ्री तो बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू, पिछले केस में भी क्या ही आ रहा था यही आ रहा था। अब अगर इसके में और शॉर्ट की बात करूँ तरीके की तो फिर आप यही सीखेंगे, यही लॉजिकली है, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। वैसे मैं तो बता दूंगा शॉर्ट तरीका, अगर और शॉर्ट जानना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको, इस सवाल को कैसे करेंगे, एक्स वन अपॉन बाई टू, एक्स वन अपॉन बाई टू अगर मैं इधर से इधर ले आऊँ, या मैं ऐसा करूँ कि एक्स वन अपॉन एक्स टू किसके बराबर बनना है, एक्स वन अपॉन एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू क्या है टू है और बाई टू एक्स टू की वैल्यू क्या है फोर है, तो वन अपॉन टू बनना है और मुझे पता है ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बाई टू को, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बाई वन को। अब बाई वन की वैल्यू तो मुझे सवाल में दी है थ्री, तो थ्री टू यूनिट किसकी वैल्यू है थ्री की, तो टू यूनिट थ्री की वैल्यू है अगर, तो मुझे एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई टू आ गई, और एक यूनिट कोई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बाई रिप्रेजेंट बाई टू रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बाई टू की वैल्यू क्या भी क्या ही आ जाएगी थ्री बाई टू ही आ जाएगी, वन यूनिट इज इक्वल टू थ्री बाई टू। अब आपको जो सा मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया ये सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप जल्दी से चीज़ों को करना चाहते हैं ये भी बेस्ट ही है, लेकिन जो पिछले वाला था वो कैलकुलेटिव मेथड था, तो वन यूनिट तो ये क्या हो गया बाई टू के इक्वल हो गया क्योंकि ये बाई टू के इक्वल था, तो यही आंसर आ गया। मैंने करा कुछ नहीं है इसमें भी यहीं से पुट किया, जो भी ट्रिक बनती है वो सिर्फ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं से बनती है, इसी से सब ट्रिक बनी है। क्यों? क्योंकि एक्स वन अपॉन एक्स टू तो क्या होता था वाई टू अपॉन वाई वन, तो इसका रेशियो वन अपॉन टू आ गया, तो वन जब भी मैंने क्या बताया था वन अपॉन टू अगर इज इक्वल टू बाई टू अपॉन वाई वन अगर आपको दिया तो आप फिर बता ही सकते हो अगर ये एक रहा होगा ये दो रहा होगा ये एक यूनिट रहा होगा ये दो दो यूनिट रहा होगा, लेकिन दो यूनिट की वैल्यू सवाल में मुझे कितनी दी है थ्री दी है, तो वन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पर, अब चलते हैं थोड़ी लेवल बढ़ाते हैं इसका, यही लास्ट टॉपिक है फिर इसको ख़त्म करेंगे रेशियो को, और जितनी आपको ज़रूरत है उतना हो जाएगा रेशियो, और ज़्यादा की फिर ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रेशियो भी बहुत लंबा खिंच जाएगा और फिर उस चीज़ का मतलब मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना मतलब आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं कुछ भी, और आपका बिल्कुल मैं डिटेल जो भी पढ़ा रहा हूँ वो 100% डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो एक आध दो टॉपिक हैं या रेशियो के अंदर ही एक आध दो सब टॉपिक बनते हैं जो आपके एग्जाम में उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं वो मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम में बिल्कुल आते ही नहीं है वो 0% प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, तो उनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। तो अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि प्रोपोर्शनलिटी पे बेस है, अभी इस पर सवाल करेंगे और तीन चार जिसके आपको जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बाई एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू देन, जैसे पहले तो जो सवाल में दिया है जैसा जैसा वैसा वैसा लिखते जाना हमें, क्या दिया एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया, मैंने बताया था किसके प्रोपोर्शनल दिया इस बार बाई के नहीं दिया, इस बार बाई के स्क्वायर के दिया तो बाई का स्क्वायर लगा देंगे, और सवाल को आपको केयरफुली पढ़ना है तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, अर्थमेटिक के सवाल में ये रहता है कि बिल्कुल केयरफुली लैंग्वेज को समझना है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा मुझे पता है कि एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर पहला तरीका करने का ये हुआ कि जब एक्स की वैल्यू टू थी तो टू इज इक्वल टू के इन टू के इज इक्वल टू बाई की वैल्यू कितनी थ्री है तो नाइन, के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी टू अपॉन नाइन आ जाएगी, के की वैल्यू टू अपॉन नाइन आ गई तो सेकंड वाला केस क्या बनेगा एक्स इज इक्वल टू ये, अब ये एक्स वन इज इक्वल टू के वन या एक्स टू इज इक्वल टू के बाई टू स्क्वेयर, इतनी बात सबको समझ में आई होगी, तो एक्स वन की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू क्या एट है, एट इज इक्वल टू के की वैल्यू टू अपॉन नाइन है इन टू बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये मुझे बताना है, अब ये फोर टाइम्स जाएगा और ये नाइन फोर या 36, तो बाई टू के
बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो जब भी सॉल्व करेंगे इसको, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बात याद रखना है, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल होंगी क्योंकि पावर दो है, तो दो वैल्यू पॉसिबल होंगी। बाई की कैसे होंगी, तो बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। वो कैसे होंगी, जब आप बाई टू की जगह प्लस 6 रख के देखो, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पावर दो है, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू पॉसिबल होती है। बाई टू इज इक्वल टू, बाई टू इज इक्वल टू, या मैं ऐसे कहूँ इसको, प्लस माइनस बाहर ही आ जाता है, अंडर रूट 36। तो बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 ही निकलती है, अंडर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो प्लस माइनस 6। तो ये बात याद रखेंगे, इसको मैं ऐसे बाद में और पढ़ाऊंगा कि प्लस माइनस 6, मैं नंबर सिस्टम बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पावर जब भी टू होती है, स्क्वायर होती है, तो उसके इसमें दो वैल्यू निकलती है, लेकिन यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी कि निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, तो कैसे करेंगे, मैंने कैसे करा एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे दिया था स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिया था, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर। तो इसको अगर एक्स वन मानूँ तो एक्स वन इज इक्वल टू के वन के बाई वन का होल के वन के बाई वन का स्क्वायर, के बाई वन का स्क्वायर। तो के एक्स वन की वैल्यू 2 दी थी, के इंटू 9, बाई वन की वैल्यू 9 3 दी थी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो के इज इक्वल टू 2/9, एक्स टू इज इक्वल टू के बाई, एक्स टू इज इक्वल टू के बाई टू का होल स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू 2/9, और बाई टू का स्क्वायर मुझे पता लगाना था, बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो मैंने बताया था बाई टू इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर लगा तो दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो 6 हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस पहले लगा था तो वो प्लस माइनस 6 हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर से मैं बात करूँ तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन वो जब सॉल्व करते हैं इसको, तो या आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसका डेरिवेशन मैं ऐसे बताता हूँ, बाई ऐसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बाई टू स्क्वायर माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसके दो फैक्टर करूँगी, क्या ए स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ तो माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी या ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों, अब इनका प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो ए 0, अगर इस कंडीशन में अगर ए 0 होगा तो बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, बाई टू इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो बाई टू की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी उधर जाके। और अगर ये 0 होगा तो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब कोई पार्टिकुलर 0 के बराबर हो, तो बाई टू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो दो वैल्यू आ गई। यहाँ से समझ में आ गया, अभी इतना ही जाना है, क्योंकि इसको जब मैं बाद में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अंडर रूट के अंदर से क्यों बाई, क्यों पावर टू की वैल्यू दो निकलती है, और अंडर रूट के अंदर से क्यों पॉजिटिव वैल्यू आती है हमेशा, इसकी बात करेंगे हम। लेकिन अभी के लिए इस सवाल के लिए इतना पर्याप्त है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आती है, और बाई जब भी पावर दो होंगी तो दो दो वैल्यू आएंगी बाई की, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे आएंगी ये मैंने भी ऐसे बता दिया। तो अगर अब मैं बात करूँ और आगे की इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, बिना के कैसे करेंगे, तो करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ, कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर दिया था आपको, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू के बाई वन स्क्वायर पता लग जाएगा, क्योंकि एक्स की इतना तो सबको पता ही है कैसे होगा ये, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इतना पता है। अब फिर मैं एक्स की जगह एक्स वन रख रहा हूँ, तो बाई की जगह बाई वन वैल्यू रही होगी, और एक्स टू इज इक्वल टू के बाई टू, इसको डिवाइड लगा दो, अगर इसको डिवाइड लगाओगे तो एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई वन स्क्वायर अपॉन बाई टू स्क्वायर, तो एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई वन स्क्वायर अपॉन बाई टू स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू रख दी मैंने 2, और एक्स टू की वैल्यू रख दी 8, बाई वन की वैल्यू क्या थी 3, क्योंकि जिस एक्स पे एक्स वन क्या रहा हुआ है, जैसे एक्स पर 2 है तो उसी के रिप्रेजेंटेटिव में क्या है बाई, तो वो अगर उसको एक्स वन मानना है तो उसको बाई वन मानेंगे, तो उसको बाई वन मानेंगे, तो यानी कि 9 अपॉन बाई टू का होल स्क्वायर, ये बाई टू है, बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ से 4 टाइम्स जाएगा, और अगर ये 4 टाइम्स जाएगा तो 9 × 4 = 36, तो बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और बाई टू इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था प्लस माइनस लगेगा इज इक्वल टू 6। तो ये तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे तो ये डायरेक्टली बात पता थी कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव में कौन आएगा, बाई वन वाली वैल्यू आएगी, तो बाई वन वाली वैल्यू में क्या लगा है स्क्वायर लगा, तो एक्स वन इज अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई वन अपॉन बाई टू का होल स्क्वायर, बाई वन अपॉन बाई टू का होल स्क्वायर बन गया ये, या बाई वन का स्क्वायर अपॉन बाई टू का होल स्क्वायर, या इसका पूरे का भी स्क्वायर कह सकते हैं अगर स्क्वायर कॉमन लेके,
और ये यहाँ से आंसर आ गया। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी सवाल में आंसर पे पहले ही बोल रहा हूँ, डेसिमल में आ सकता है या फ्रैक्शन में आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी सेट है, अभी तो मैंने देख के सेट की थी, अभी तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ वाई, अगर एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के स्क्वेयर के, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो बात करते हैं कि एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वाई स्क्वेयर, यही तो इस बात का मतलब हुआ। तो एक्स वन इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई वन, के अपॉन वाई स्क्वेयर। और अगर एक्स वन की बात करूँ तो एक्स वन इज इक्वल टू के अपॉन वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू के अपॉन वाई टू का होल स्क्वायर। अगर मैं अब इन दोनों को डिवाइड लगाता हूँ, तो मैंने ये भी हिंट दी थी आपको कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कैसे। कि इन्वर्सली दिया है तो एक्स वन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा इधर साइड में, बाई टू का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो एक्स वन अपॉन, या जब आप इसको डिवाइड लगाओगे तो बाई टू ऊपर चला जाएगा, किसी के कैंसिल हो जाएगा और ये बाई टू ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब ये तो आपको पता होगा, जब भी डिवाइड लगाते हैं एक्स वन अपॉन के वन के अपॉन बाई वन का बाई वन होल स्क्वायर अपॉन के अपॉन बाई टू, तो ये कैसे कि चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आता है और उन दोनों का ऊपर आता है। तो के इंटू बाई टू का स्क्वायर बनेगा नीचे ऊपर, सॉरी ऊपर बनेगा के इंटू बाई टू और नीचे बनेगा के इंटू बाई वन का। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, मुझे पता था के इंटू बाई वन, तो ये बाई टू ऊपर चला जाएगा। तो एक्स वन अपॉन एक्स टू, वैसे आपको ये पता होगा कि के, अगर ऐसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर ऐसे दिया है जैसे मान लो, तो फ्रैक्शन दिया टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, तो इनको कैसे सॉल्व करते थे। ये वाला नंबर ऊपर चला जाता था, ये वाला नंबर ऊपर चला जाता था और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता था। कैसे? टेन अपॉन थ्री इंटू टू इंटू फाइव टेन अपॉन टेन, और थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, तो यानी कि फाइव अपॉन सिक्स आंसर आ जाता था। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ, ये चार फ्रैक्शन दी थी, अगर तीन के केस में बात होती तो तीन के केस में कैसे जाएगा, जैसे टू अपॉन थ्री अपॉन फोर, तो ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा टू अपॉन थ्री अपॉन फोर, ये वाला नंबर नीचे वाला भी ऊपर ही जाएगा, तो एट अपॉन टू इंटू फोर एट अपॉन थ्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट अपॉन थ्री। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, वही लॉजिक वहाँ पे यूज हुआ है कि वहाँ पर कितनी फ्रैक्शन है, चार फ्रैक्शन है, चार अपॉन में, तो के अपॉन, जब भी मैं ए डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी के इंटू बाई टू का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू नीचे ही रहेगी के इंटू बाई वन का स्क्वायर, तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाई टू ऊपर चला गया, तो बाई टू स्क्वायर अपॉन बाई वन स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, मुझे क्या दिया, जब एक्स की वैल्यू टू दी है तो एक्स वन इज इक्वल टू टू, और एक्स वन जब एक्स जब टू है तो बाई कितना है थ्री, तो बाई वन की वैल्यू हो गई वो, तो बाई वन इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, तो बाई टू, बाई टू की मुझे पता लगानी है क्योंकि बाई की मुझे पता नहीं है, जब एक्स कितना एट है तो ये कितना हो गया वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर हो गया, और अगर ये वन अपॉन फोर हो गया तो ये थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, तो नाइन अपॉन फोर, और नाइन अपॉन फोर इज इक्वल टू बाई टू स्क्वायर। अब मैं यहाँ से इधर क्या आएगा, जब इधर मैंने बताया कि जब ये पावर टू हटेगी तो इधर आएगा, तो अंडर रूट नाइन अपॉन फोर, और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस बाई टू की वैल्यू, या मैं इसको उधर लिखता हूँ प्लस माइनस, जब ये हटेगा इधर से तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट नाइन अपॉन फोर इज इक्वल टू बाई टू, तो यहाँ से थ्री, ये किसका होता है थ्री का स्क्वायर या टू का स्क्वायर, तो प्लस माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे करा, मैं जैसे जैसे सवाल में दे रखा था वैसे ही हमने फॉलो किया, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बाई, तो एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बाई, यहाँ से जब भी साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो कॉन्स्टेंट और एक ये इक्वल टू का साइन और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं एक्स वन की बात करूँ तो एक्स वन की वैल्यू पे क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू के अपॉन वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू इज इक्वल टू के अपॉन वाई टू का स्क्वायर। अगर एक्स वन अपॉन एक्स टू करेंगे तो के से के कट जाएगा और ये बाई टू ऊपर चला जाएगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू के, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू बाई टू स्क्वायर अपॉन बाई वन स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैंने एक्स की वैल्यू रख दी थी, क्या दी थी टू, और वाई की वैल्यू क्या दी थी उस टाइम पे थ्री, तो एक्स वन की वैल्यू टू रख दी, बाई टू की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू टू रख दी और वाई वन की वैल्यू थ्री रख दी, तो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, और यहाँ से ये वन अपॉइंट फोर टाइम्स कट गया, तो ये इधर जाएगा नाइन अपॉइंट फोर इज इक्वल टू बाई टू स्क्वायर।
तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, उससे पहले प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 3/2/2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर रेशियो खत्म हो जाएगा। गोल्ड ब्रोक इंटू थ्री पार्ट्स, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ थ्री पार्ट इज 3:4:5। तो एक गोल्ड है कोई, उसको कितने पार्ट्स में वो बोले हो गया है 3:4:5 के रेशियो में। और ये भी दिया है, जो भी सवाल में दिया है पहले वो केयरफुली लिखना है। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ गोल्ड, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। इफ देयर इज लॉस ऑफ 2,3,500 आफ्टर बीइंग ब्रेकिंग गोल्ड, मतलब गोल्ड को जब इस रेशियो ब्रेक कर दिया और जब वो पहले ब्रेक नहीं हुआ था, तो अब जो कीमत मिलेगी उसमें कितने का लॉस होगा, 2,3,500 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये पूछा है गोल्ड की स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी। तो पहले तो एक बात बताओ कि यहाँ पे 3:4:5 दिया है, तो मतलब टोटल गोल्ड कितना रहा होगा, 3:4:5 यानी 12 रहा होगा। टोटल गोल्ड अगर 12 रहा होगा तो पी, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। तो अगर मैं P1 की बात करूँ पहले वाले केस में, गोल्ड की प्राइस की इज इक्वल टू W1 स्क्वायर, तो P1 इज इक्वल टू के इंटू, पहले वाले केस में कितना दिया, रेशियो कितना दिया, 3:4:5। अब 3:4:5 दिया तो टोटल गोल्ड कितना रहा होगा, टोटल गोल्ड यहाँ से कितना, 3:4:5 के रेशियो में, तो यानी 12 रहा होगा टोटल गोल्ड। और टोटल गोल्ड 12 रहा होगा तो 12 का स्क्वायर, P1 की वैल्यू आ गई, तो P1 की वैल्यू इज इक्वल टू के इंटू 144। इतनी बात सबको समझ में आई कि P1 की वैल्यू के इंटू 144। लेकिन अगर अब मैं वही बात करूं दूसरे केस में, क्या गोल्ड क्या हो गया है, ब्रेक हो गया, किसमें, किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में। तो जो P2 रही होगी यानी कि फाइनल वाली प्राइस, वो किसके ऊपर रही होगी, के। अब P2 कैसे रही होगी, P2 मतलब एक टुकड़े हैं, एक टुकड़े का वेन कितना हो गया, 3 हो गया, एक का 4 हो गया, एक का 5 हो गया। तो जो पहला वाला टुकड़ा कीमत दे रहा होगा प्लस दूसरे वाले टुकड़े की कीमत प्लस तीसरे पार्ट की कीमत इज इक्वल टू द प्राइस इन दी फाइनल केस। तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा, अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 अगर मैं इसके लिए बात करता हूं सिर्फ, तो K इंटू 9 का 9 हो जाता, 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसके प्राइस की बात करता, 3 वाले 3 पार्ट में टूटा, उसकी कितनी हो जाती, K इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 9 के। लेकिन मुझे तो सबकी प्राइस निकालनी है, तो सबकी निकालने के लिए मैं अब क्या करूँगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सबकी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सब का एडिशन करूँगा कि P इज इक्वल टू के इंटू 9 3 का स्क्वायर प्लस P2, ये P2 हो गया, के इंटू 4 स्क्वायर प्लस के इंटू 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, P2 इज इक्वल टू के इंटू, यानी कि 9 9 प्लस 4 9 प्लस 16 कितना हो गया, के सबसे कॉमन आ जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 25, 25 प्लस 25 यानी कि 50। के की वैल्यू कितनी, के इंटू 50 बन गया, P2 क्या बन गया, के इंटू 50 बन गया, क्योंकि सवाल में हमें दिया बेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो हमने वैसा ही किया। तो P1, अब अगर मैं अब बात करूँ यहाँ से P1 अपॉन P2 की, तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, 144 अपॉन 50। अब यहाँ से मैं इसको 2 टाइम्स चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 72 अपॉन 25। अब यहाँ पे 72 अगर पहले की कीमत रही होगी तो बाद में कितनी बची, 25 बची, रिड्यूस हो गई। तो लॉस यहाँ पे कितने का हो गया, लॉस यहाँ पे कितने का हो गया, 25 और 47 यूनिट का, 47 यूनिट का ही तो हो रहा है लॉस। लेकिन सवाल में उसी 47 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है, 2,3,2,3,5,00। तो एक यूनिट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,00, एक यूनिट की वैल्यू 5,00 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 टाइम्स जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 5,00 आ गई। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड अब कितनी है यहाँ पे, 72 है, तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टार्टिंग प्राइस, 72 यूनिट है, तो वो 72 यूनिट की वैल्यू 72 × 500 रुपीज़, ये कितनी हो जाएगी, 0,00,036 यानी कि 36,000 रुपीज़। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कैसे करा हमने,
हमें दिया था पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेट का स्क्वायर, तो पी इक्वल टू के डब्ल्यू वन की बात करें तो 12 होगा, पहले वाले केस में जब वो ब्रोक नहीं हुआ था, जब वो उसमें कोई जब टोटल पार्ट का वेट था वो 12 था, क्योंकि 3:4:5 के रेशियो में टूट रहा था, तो पी वन इज इक्वल टू के इंटू 144, और जो टोटल वोल्ट हमने 12 माना था तो 12 यहीं पे आ गया। फिर उसके बाद मैं पी टू की वैल्यू बात करूँ, और पी टू तो गोल्ड टूट गया, तो पहले वाले टुकड़े से बनी कीमत दूसरे वाले टुकड़े से बनी कीमत और तीसरे वाले टुकड़े से बनी कीमत के सम के इक्वल होगी पी टू, तो कितनी हो जाएगी के इंटू 50। अब मैंने इन दोनों की प्राइस का रेशियो ले लिया, तो 72/25 तो 47 यूनिट। अब यहाँ पे अंतर कितने का, 47 यूनिट का, यही कह रहा होगा लॉस रहा होगा, बन यूनिट की वैल्यू 500 के अब बराबर, तो स्टार्टिंग प्राइस इज इक्वल टू 72 यूनिट, स्टार्टिंग प्राइस इज इक्वल टू 72 यूनिट, तो 72 × 50 यानी 3600 रुपीज़। ये इस सवाल को करने का तरीका हुआ, और आप इसी से, और यही बेस्ट मेथड है, मैं और तरीके नहीं बता रहा इस पर, तो आपका रेशियो खत्म हुआ। और इस पर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और है, वो मैं बता देता हूँ, बस छोटी सी टर्मिनोलॉजी क्या है इस पर, जैसे क्या है कंपाउंड रेशियो पूछता है कभी, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, बहुत छोटा सी चीज़ है ये कंपाउंड रेशियो। अगर कोई तीन रेशियो दिए आपको, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 5:6, तो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहले वो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 5:6 की, तो कंपाउंड रेशियो कुछ भी नहीं है, जो थ्री रेशियो दिए रहेंगे आपको, आपको पहले वाले से पहले वाले की सभी की मल्टीप्लाई करनी है, और लास्ट वाले में सभी लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे पहले वाला रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू को, तो कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, पहले इसमें पहले वाला नंबर कौन सा है, टू, इसमें पहले वाला कौन सा है, इंटू 4, इसमें पहले वाला कौन सा है, इंटू 5, अपॉन, या रेशियो कुछ भी कह दो, क्योंकि ये रेशियो ही है और अपॉन इसका सिंबल ही रेशियो होता है, और यही क्या है, रेशियो भी है, तो 3 × और लास्ट वाला नंबर कौन सा, 3, इसमें लास्ट वाला कौन सा, 5, इसमें लास्ट वाला कौन सा, 6, अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × 3 × हो जाए, ये 3 × जाएगा तो कितना बचा, 4:4/9 या 4:9। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, थ्री रेशियो दिए रहेंगे आपको, पहले वाले नंबर से सभी पहले वालों की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें पहले वाला 2, इसमें पहले वाला 4, इसमें पहले वाला 5, और बाद वाले या इसमें 3, बाद वाला इसमें 5, इसमें बाद वाला 6, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके अब ऊपर नीचे जो भी कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर दिया, तो ये 4:9:2, और ये रेशियो किसके बराबर हो गया, 4:9 के। तो अब आपका रेशियो खत्म हुआ, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों का काम है, जो मैंने पीडीएफ डी दी है, या आप लोग यहाँ यहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट बने, वैसे 99% रेशियो का कोई डाउट नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ जो आपका डाउट आएगा, जो वो जैसे रेशियो के कुछ कुछ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन रेशियो में डल गए हैं, या कोई ऐसी बुक होती है जिसमें मतलब क्योंकि रेशियो परसेंटेज एक दूसरे से लिंक करता है टॉपिक, तो उसके क्वेश्चन रेशियो में डल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, लेकिन वो तो मैं परसेंटेज में पढ़ाऊंगा ही, आपको रेशियो का जो बेसिक जो मेन रेशियो का डाउट है, प्रॉपर रेशियो का, वो आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, लेकिन इन केस आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जहाँ कहीं से भी चाहें, कोई सी भी बुक चाहें, जो सी बुक भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मार्केट में जो भी अवेलेबल है, वैसे तो मैंने नोट्स दिए हैं, उनके अलावा आपको पीडीएफ दी है, उनके अलावा आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो आप जो भी बुक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अभी रेशियो को ख़त्म किया है पिछली क्लास में, आप लोग जानते हैं, तो अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना परसेंटेज। परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले ही बता चुका हूँ रेशियो और परसेंटेज दोनों बेसिक टॉपिक हैं, और इनसे ही सभी आगे की चीज़ें रिलेट करेंगी। तो जो भी आपको रेशियो मैंने पढ़ा दिया है कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो, ऐसे तो रेशियो बहुत बड़ा होता है, वो मैं पूरा पढ़ाता तो 15 आवर्स प्लस लग जाते, लेकिन जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक डिटेल में, और आपको 10 आवर्स के आसपास का रेशियो मैंने कंप्लीट कराया। इसके अलावा जो भी आपके, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो भी आपका एग्जाम देना चाह रहे हैं आप, जिसमें भी आप अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कौन सी, आप जो चाहें वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने शीट दी है, और एक शीट और अपलोड होगी अभी,
वो और हाई लेवल की सीट रही, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वही आप करें, और जो क्लास में उसको बार बार रिवाइज करें, बस यही इनफ है। और इसी से आपकी स्पीड बन जाएगी, और कैलकुलेशन के लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा। और इसके अलावा भी आपके मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स बच रहे हैं, जैसे कोई डाउट्स आपने किसी बुक से कलेक्ट करे हैं, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। एक उनके लिए क्लास लगा देंगे एक्स्ट्रा क्लास, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो उनको आप वीडियो को बार बार देखें। और उसके अलावा जो भी डाउट बच रहे हैं, तो वो मैंने बोल ही दिया कि हम कर लेंगे, या जैसे भी होगा, आप जैसे भी करते हैं उनको, या क्लास लगा के कर लेंगे उन डाउट्स को एक दिन की। तो अब रेशियो के बाद, रेशियो आपका कंप्लीट हो गया, रेशियो को प्रैक्टिस करना बार बार। रेशियो के बाद, अब रेशियो में जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के भी डले हुए हैं, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन रेशियो के भी डल जाते हैं, किसी किसी बुक में दे देता है, किसी में नहीं देता। तो वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन अभी छुड़वा दूंगा मैं। जब परसेंटेज हो जाएगा तो रेशियो और परसेंटेज के जो रिलेट कर रहे होंगे दोनों आपस में, वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो रेशियो के होंगे वो ही डाउट लूंगा मैं सिर्फ, क्योंकि परसेंटेज में पढ़ाऊंगा ही, तो बाद में रेशियो और परसेंटेज के आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो क्लियर हो जाएंगे वैसे। लेकिन फिर भी इन केस बचता तो आपके लिए, आप टेंशन फ्री रहो, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, परसेंटेज के वर्ड में ही परसेंटेज का मतलब छुपा हुआ है। पर का मतलब होता है पर, और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है बन। तो मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पर सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंटेज को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज का मतलब हुआ पर 100, पर 100 पे वैल्यू क्या बन रही है, पर 100 मतलब जैसे बोलता हूँ मैं, इसकी एवरेज स्पीड किसी भी कार की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आर, 2 किलोमीटर पर आर है, पर आर। तो पर आर का मतलब क्या हुआ, या पर सेकंड है, 2 मिनट पर सेकंड है, तो पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट पर सेकंड, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यानी कि पर 100 का मतलब क्या होगा, 1/100। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परसेंटेज का मतलब इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज वर्ड में ही छुपा हुआ क्या होता है, मतलब ये बन नहीं है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब, सेंट का मतलब होता है 100, और पर 100 पे जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, परसेंटेज होती है। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि पर 100 की वैल्यू की बात करता है ये। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो 100 इधर जाएगा, तो 100% इज इक्वल टू 1, 100% इज इक्वल टू 1। अब लेकिन परसेंटेज को कुछ मैंने बताया था, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कुछ बेसिक लग रहे थे, अब परसेंटेज को प्रॉपर शुरू करने से पहले कुछ बेस बनाना पड़ेगा। मैं वो बेस क्या बनाना पड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, तो 1/3 फ्रैक्शन का अगर मुझे मतलब समझाना है तो मैं क्या करूंगा, 1/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या रहा होगा, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में अपॉन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है, बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर जिस चीज़ का कंपेरिजन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ, अगर मैं 1/3 की बात करता हूं, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब 1/3 की बात करता हूँ, तो ये कितने बॉक्स हैं, आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, आप बोलोगे 3 बॉक्स हैं, इनका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई वो इक्वल ही है, वो बनाने में अलग अलग हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 1/3 फ्रैक्शन बनना है, तो यहाँ पे 3 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल है जिसके, जो बेस जिसके रिस्पेक्ट में मैंने कंपेरिजन करा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कंपेरिजन हो रहा है, तो 1 क्या रहा होगा, ये चीज रही होगी, ये वाला बॉक्स रहा होगा 1। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर 3 हिस्से रहे होंगे, अगर 3 हिस्से रहे होंगे उसमें से एक हिस्सा हमने लिया है, उसमें से क्या एक क्या लिया है, हमने एक हिस्सा लिया है, या मैं ऐसा भी बोलूं कि 1/3/1, तो अगर एक हिस्सा रहा होगा तो उसमें से हमने 1/3 हिस्से लिए हैं, तो इस पे आपको नहीं आना, वो तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 3 हिस्से रहे होंगे तो उसमें से एक हिस्सा हमने लिया है, एक हिस्सा हमने लिया है, ये क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है। और अगर मैं 1/4 का मतलब पूछूँ, जैसे पिछले क्लास में मैं फ्रैक्शन का मतलब समझा रहा था, जैसे मैं 1/4 का मतलब पूछूँ, तो यहाँ पर बॉक्स बन जाएंगे 4, और यहाँ पर कितने हमारे पास हो जाएंगे, 1 बॉक्स, 1 हमारा फेवरेबल हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 किसको
रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरियन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कंपेरियन हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वन। तो कहने की बात ये हुई कि वन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे वही बात करूँ कि अब जैसे मैं पूछूँ, पहले फ्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए परसेंटेज को शुरू करने से पहले, क्योंकि वो चीज़ बार बार ही होगी, फिर बार बार आपको परेशान करेगी, इसलिए आपको ये ढंग ध्यान से बहुत ध्यान से केयरफुली सीखते हुए चलना है। अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन है 24 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 30, तो अगर ये वाली बात आती है कि 24 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 30, तो 24 कितने फ्रैक्शन है 30 का, तो मैंने बताया था फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है, या जिसको हमने जिसको रिस्पेक्ट में कंपेरिजन करना है और जिसका कंपेरिजन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन करना है उसको हमेशा क्या लेना है, अपॉन में लेना है, या टोटल को क्या लेना है, आप हमेशा अपॉन में लेना है। मैंने बताया था रेशियो में ये बेसिक जब यूज करा था एक जगह, तो जिसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब 24 का कंपेरिजन पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 30 के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 30 के रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है 24 का, 24 को कहाँ लेंगे, 30 अपॉन में लेंगे, क्या बनाने के लिए, फ्रैक्शन बनाने के लिए, और 24 को कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, ऊपर लेंगे सॉरी, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 24 को ऊपर लेंगे और 30 जिसका कंपेरिजन हो रहा है, लिख देता हूँ मैं इसको, ध्यान ध्यान रखना, जिसका कंपैरिजन हो रहा है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है मतलब वो ऊपर लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और जिसके ऐसे बायलैंगुअल ही लिख लेंगे इसको, जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका कंपेरियन हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा फ्रैक्शन, 4/5 बन जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 4/5 बन गया, तो 5 यूनिट क्या रहा होगा, बेस रहा होगा, 5 यूनिट क्या रहा होगा, बेस रहा होगा, तो 4 यूनिट क्या रही होगी, जिस वैल्यू का कंपेरियन हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, इसका रेशियो 5:4 ही, तो अब ये तो यहीं से आया, तो 4:5 बन गया, तो यही क्या होगी, फ्रैक्शन हो गई, यही क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। अब ये फ्रैक्शन हो गई, ये फ्रैक्शन बन गई 4/5, किसका, 30 का, कितना है 24, 4/5 है। अब ये चीज़ हमें पता लग गई, ये चीज़ इतना हमें पता लग गया। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये तो इसका हुआ, कैसे करते हैं आप, क्यों करते हैं ऐसा, मैं बताता हूँ, वो आपको समझ में आ जाए बहुत ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मतलब यूज तो ये करना है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ का क्यों का जवाब दूंगा कि क्यों करते हैं ऐसा, मैंने इसको सोचने पे बहुत टाइम दिया है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी परसेंटेज पे ही आएंगे वो, कुछ जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनको बताऊंगा कि मुझे किसका बताना है, 30 का बताना है। अब मैं आपसे पूछूं कि 30 का 4/5 कितना होगा, तो आप जल्दी से बता दोगे, क्या बता दोगे, 30, क्योंकि ऑफ 30 ऑफ 4/5, जैसे मैं ये पूछूं हिंदी में ये लिख दिया था, और 4/5 ऑफ 30 मैं ये पूछूं आपसे, तो 4/5 × 30 कर दोगे आप, और ये 6 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब अभी हमने फ्रैक्शन क्या निकाली थी, 4/5, तो 4/5 30 का कितना ही होता है, 24 ही होता है, मतलब सही है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना, मुझे किसका निकालना है, 30 का निकालना, तो मुझे 30 ऑफ कुछ, 30 का मतलब 30 ऑफ चाहिए, तो 30 मैं 24 ऐसे लिखूँगा, 24 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 24 का कंपेरिजन करना है, किससे करना है, 30 से करना है, तो 30 × 24 ध्यान से देखना, अपॉन 30 मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऊपर नीचे 30 से डिवाइड, ये बस जस्ट समझाने के लिए, इसको यूज नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसी में रह जाओ, टाइम आपका लग जाएगा, ये बस समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, अगर कोई जानना चाह रहा है तो। 24 किसके इक्वल होगा, 30/30 के। अब एक बात बताओ, 30 × 24/30 नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, और ये क्या ही है, 24 ही है। अब इंटू की जगह मैंने क्या, ऑफ की जगह मैं क्या यूज करता था, इंटू, इंटू की जगह क्या यूज करूंगा, 30। अब मैं क्या लिखूंगा इधर,
फोर इसको क्या कर दूंगा मैं, और हम लोग इसी को बना रहे थे फ्रैक्शन कि टोटल जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरियन हो रहा है, जिसका कंपेरियन हो रहा है उसको ऐसे ले रहे थे, 4.5 फ्रैक्शन बन गई। किसकी बन गई? अगर 4/5 को मैं इधर लिख देता हूँ और इस इंटू को क्या लिख देता हूँ ऑफ, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 24 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 30। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, कंपेरियन पता लग गया। कैसे होता है, 24 को हमने, क्योंकि अपॉन में ये जिसका जिससे कंपेरियन हो रहा है, मैं उसको अपॉन में क्यों लेते हैं, क्यों लूँ मैं अपॉन में, उसका रीजन मुझे मिल गया। क्यों लेते हैं कि 24 थी, 24 का कंपेरियन करना था, और ऊपर नीचे मतलब 30 से अगर मुझे कंपेरियन करना है तो 30 ऑफ कुछ बनना चाहिए नंबर, कि मतलब ये 30 का इतना बनना है, 4/5 फ्रैक्शन का मतलब ये तो हुआ। अब 30 ऑफ बनना चाहिए तो 30 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 से अब ये 24/30 बन गया, तो ये 4/5 बन गया, तो 4/5 इंटू को टाके मैंने ऑफ लगा दिया, तो 4/5 25 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 30। तो मतलब 4/5 क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4/5। अब आपको फ्रैक्शन का हल्का सा बेस समझ में आया होगा। अब अगर और आगे की फ्रैक्शन की बात करें कि फ्रैक्शन और क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब एक चीज ध्यान से सुनना कि 30 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 30। अब ये बताना है मुझे, आप बहुत सरल सरल चीजें चल रही हैं वैसे तो, लेकिन ये बेसिक अब आपको सभी को आना जरूरी है। अब किसका कंपेरियन पूरा पूछा, 30 का ही पूछा, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला 30 इधर आएगा, ये वाला 30 इधर आएगा, तो ये वन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, वन फ्रैक्शन बन जाएगी। किसकी वन बन जाएगी, किसका किसके रिस्पेक्ट में कंपेरियन हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 30 के। तो मतलब 30 की कितनी फ्रैक्शन है, 30 वन है, तो मतलब 30 की कितनी फ्रैक्शन है, वन है। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कह दूंगा, कोई भी नंबर उसका ही कितने फ्रैक्शन होता है, कोई भी नंबर उसका उसी नंबर का कितने फ्रैक्शन होता है, वन फ्रैक्शन होता है। कितनी फ्रैक्शन में कितना होता है, वन होता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी नंबर उसी नंबर का कितना होता है, वन फ्रैक्शन होता है। कोई भी नंबर उसी नंबर का कितना होता है, वन फ्रैक्शन होता है। ये बात सबको समझ में आई। अब फ्रैक्शन निकालने जैसे सीख रहे हैं आप, अगर ये फिर मैं यहाँ पे मान लो आपको दे दूँ कि यहाँ पे मान लो मैं आपको दे दूँ 48 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, मैंने ये बोला था किसके, 48 का कंपेरिजन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, 24 के रिस्पेक्ट में करना है। तो 24 अपॉन में आ जाएगा फ्रैक्शन बनाने के लिए, और 48 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2/1 हो गया। अब 2/1 क्या, 2/2 फ्रैक्शन हो गई, या 2/1 फ्रैक्शन हो गई, किसका, 24 का। अब जब ये फ्रैक्शन आ गई, जब मेरे पास जब ये फ्रैक्शन आ गई, तो मैं अब जब क्वेश्चंस में इसको मैं यूज करूंगा, तो अब मैंने ये 2/1 बन गई। अब फ्रैक्शन का मतलब मुझे समझ में आ गया। अब मैं एक डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ, मैंने आपको इतना पढ़ाया, इतना समझाया फ्रैक्शन पे, कि जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/8, या कोई फ्रैक्शन है 1/5, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेस वैल्यू को। या लिख लेंगे फिर से, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसका कंपेरिजन हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या बोलूँगा मैं, अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये अभी ये लिख लेना, तो ये बेस वैल्यू को या टोटल वैल्यू को, ये आपको मैंने समझाया, टोटल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर अब मैं मानूंगा, जब मैं दो नंबर को मानूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका मतलब या मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन में मुझे दिया है कि 1/8 एट्थ, क्या दिया मुझे क्वेश्चन में, 1/8 फ्रैक्शन ऑफ 24। अगर मुझे ये दिया 1/8 फ्रैक्शन ऑफ 24, तो मैं क्या बोलूंगा कि किसका कंपेरिजन, किस बेस किस किसका मतलब 1/8 था, 24 का। तो 24 कितना रहा होगा, मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हुआ, 24 के में। तो 24 कितना रहा होगा, 8, 8 नहीं लेकिन 8 यूनिट या 8x रहा होगा। तो मतलब 24 मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सवाल में चुका, अभी तो डायरेक्ट निकाल दोगे कि 1/8 इंटू 24 आंसर आ गया इसमें, क्या था, ऑफ की जगह हटा के। लेकिन मैं उसके लिए नहीं बता रहा, जब मैं आगे सवाल यूज होंगे वो कैसे होंगे, कि मैं क्या मानूंगा इसको, 8x या 8 यूनिट। तो 8 यूनिट
यानी कि 1/8 पूछा है मुझे, तो यानी कि 8 के स्क्वायर प्रेजेंट कर रहा होगा 24 को, और 1 के स्क्वायर प्रेजेंट कर रहा होगा जिसका कंपेरिजन हुआ है, तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 24 के बराबर। और तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर तो मुझे 1 की वैल्यू बतानी थी, तो 1/8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करता 1/8 × 24 तो भी 3 आ गया, लेकिन ऐसे तो अभी तो कर लेंगे, लेकिन बाद में जब मैं यूज करूंगा लैंग्वेज के क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल वैल्यू के, बेस वैल्यू को, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हुआ है, ऊपर वाली जिसका कंपेरिजन हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलेंगे परसेंटेज पे। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन का मतलब समझाया कि फ्रैक्शन का चीजों पर क्या असर होता है। अब अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज, और मैं इधर से इसको ले आऊं तो 100% = 1। अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं दोनों साइड, ये कुछ परसेंट ऐसी निकल के आएंगी जो आपको याद करनी है। मैं अभी बताऊंगा कौन सी याद करनी है, कि परसेंट इज इक्वल टू 1/10 है, तो अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 के इक्वल बन जाएगा। और ये क्या है, ये क्या बन गई, ये क्या थी? फ्रैक्शन थी। ये आपको याद रखना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या बोला था मैंने, फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? बेस वैल्यू को, या ओरिजिनल वैल्यू को, या टोटल वैल्यू को। तो यहाँ पे भी ये वही सेम चीज रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शन, और यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन ही बन रही, क्योंकि ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है। अगर अब मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 50% = 1/2 आ गया। हमेशा याद रखना ये वाली चीज किस में चल रही है, फ्रैक्शन में चल रही है, वाली चीज परसेंटेज में चल रही है। और अभी तो मैं परसेंटेज का और एक और तरीका बताऊंगा, एक और मतलब बताऊंगा परसेंटेज का कैसे निकालते हैं। फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड करने पर 3:1/3% = ये वैल्यू आपको याद करनी है, 1/3 के बराबर। और 25 अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 25 = 1/4 के बराबर, 20% = 1/5 के बराबर। ये आपको पता लग गया कहाँ से आ रहा है, यही बेसिक से आ रहा है, इसमें डिवाइड लगता जा रहा है। और अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो इधर 1/6 बन जाएगा, इधर 16:2/3% हो जाएगा। ये आपको परसेंटेज याद करनी है। अभी तो मैं इनमें और कुछ लिखूंगा, तो अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहूँ तो लगभग 3.33% सवाल में ऐसा करके दिया जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अप्रोक्स में है। अप्रोक्स में कैसे? अप्रोक्स में क्योंकि 1/3 बनना है, तो 1/3 का जब आप कैलकुलेटर से करके देखोगे तो 1/3 का 3.33333 ऐसे जाएगा, एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये सवाल में यूज होती है जब एग्जामिनर डाटा दे देता है अप्रोक्स में ही। तो 16.66% को अगर 16.66 सवाल में दिया जाए तो मुझे 1/6 ही लेना है। तो ये भी अप्रोक्स में ही वैल्यू है, ये याद रखेंगे इनको, ये भी अप्रोक्स में ही वैल्यू है। ये भी अप्रोक्स में ही वैल्यू है। अब इसके बाद में बात करूं, अगर 7 से डिवाइड लगेगा तो 14:2/7% = 1/7 हो जाएगा, ये भी। और इसका अगर, इसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं उधर लिखता हूं, इसकी फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में वैल्यू क्या लेंगे। अभी मैं एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, 1/7, और इसकी 14.28%, ये भी अप्रोक्स वैल्यू है, ये भी अप्रोक्स में ही है, ये भी अप्रोक्स में ही है, अप्रोक्स, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब ये अप्रोक्स क्यों है? क्योंकि जब भी कोई भी नंबर में जैसे दिया है आपको 2/7, तो ध्यान रखना 7 दिया है, 7 से 2 कैंसिल तो होता नहीं है। अगर कैंसिल नहीं होता है 2 से 7 से, तो 2 और 5 को छोड़ के जो भी नीचे नंबर आएंगे जिसमें जिससे भाग लग रहा है, 2 और 5 को छोड़ के, ध्यान से सुनना, मैं यहीं पर बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इस चीज़ को, 2 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 और 5 को छोड़ के जो भी नंबर बचते हैं, जितने भी नंबर बचते हैं, उनमें अगर ऊपर वाली संख्या एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रही तो कभी भी आंसर क्या नहीं आएगा, कभी भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये रिपीटेशन चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, इसका कुछ रिपीटेशन चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे 1/3 था, तो 3, 2 और 5 को छोड़ के, तो यहाँ पे 3.33333333 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पे 14.27771414 ऐसे कुछ चलता रहेगा, तो उसको 2/8 मान लिया। तो यहाँ पे जब भी नीचे अपॉन में 2 और 5 को छोड़ के कुछ ऐसी वैल्यू दी हो, जो 2 और 5 को छोड़ के दी हो, और ऊपर वाली संख्या उससे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रही है, तो किसी भी केस में, तो ध्यान रखना, किसी भी केस में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, अप्रोक्स में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीटेशन होता रहेगा और इसको ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इस चीज़ को मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे।
फिर इसके बाद जब मैंने इसको 1/8 से इसको जब दोनों साइड डिवाइड किए तो 12.5% इज इक्वल टू, तो ये पहले इसको क्या लिखूंगा, 12:2/2% इज इक्वल टू 1/8। और मैंने क्या बताया कि 2 और 5 को छोड़ गया, लेकिन ये 2 और 5 भी है तो मतलब एग्जैक्टली पॉइंट में भी एग्जैक्टली लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में एग्जैक्टली अप्रोक्स लिखा है। इसकी वजह से एग्जैक्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 0.28 कुछ रिपीटेशन करके रही होगी, और जो कि इतनी लिख दी है हमने अप्रोक्स में, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू की बात करूँ तो 12.25% ही होगी वो एग्जैक्टली, इस बात यहाँ तक कट जाएगा, फिर रिपीट नहीं होगा और यहीं तक वो खत्म हो जाएगा। तो 2 और 5 को छोड़ के रिपीटेशन होता रहता है, अगर नीचे अपॉन में जो क्या कहते हैं डिवीजर अगर आपका वो है 2 और 5 को छोड़ के, तो हमेशा रिपीटेशन होता रहेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई, तो ये क्या हो जाएगा 12.5%, 12.5%। अब एक चीज, अब क्या कहते हैं फिर इसके बाद क्या आएगा 1/9, तो 1/9 इधर बनेगा 1/9, 1/9 की 11:1/9% हो जाएगी 1/9 की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी 11.11%। मैंने क्या बताया, अब ये क्या है 9, 9 और 2 और 5 को छोड़ के, तो ये भी अप्रोक्स वैल्यू, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं बार बार कि अप्रोक्स है क्या है। अब आपको समझना है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, और इसको अपने आप चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि हर चीज़ लिखाना पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और लिखाना पॉसिबल है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में लिखाएंगे ही, तो हर जगह बार बार लिखाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1/10 इज इक्वल टू 10% के इक्वल हो जाएगा, और इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू 10 ही है जब ये कट गया। फिर इसके बाद 1/11 की बात करूँ तो 1/11 इज इक्वल टू 9:1/11% हो जाएगा, और ये 9.09%, अब ये भी एग्जैक्ट नहीं है। फिर इसके बाद 1/12 की बात करूँ तो 1/12 की, क्योंकि इधर डिवाइड लगता जा रहा है, डिवाइड लगता जा रहा है तो ऐसा बनना है, तो 1/12 से अगर इधर 12 से डिवाइड लगा दिया, इधर भी 12 से, तो आप करके देखोगे तो यही आएगा। 1/12 कितने के बराबर होगा, 1/10 होगा 8:1/3% के बराबर, और ये किसके बराबर होगा 8.33% के बराबर होगा। फिर इसके ये ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ये वाली चीज़ें, क्योंकि वैसे तो लिखा ही है, लेकिन फिर भी आप समझ लेंगे। अब बार बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसी में टाइम चला जाएगा। फिर 1/13 की जरूरत नहीं पड़ती, जो फ्रैक्शन यूज हो रही है मैं जो यूज होती है उनको ही बताऊंगा मैं। 7:1/7%, 7:1/7%, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन परसेंट, उसमें डेसिमल में बात करूँ तो 7.14%, सॉरी 7.14%। इतनी बात सबको समझ में आई। अब अगर मैं और आगे की बात करूं तो पहले यहाँ तक लिख, पहले अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर इधर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा व्यू सही ढंग से, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, या इसको ही मिटा देता हूँ, और फिर आप इसको बाद में, पहले इसको सुन लेना पूरे को, फिर बाद में जब वीडियो पॉज करके फिर इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जगह नहीं है इधर ज़्यादा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, ये बेसिक था इसको नहीं मिटा रहा, क्योंकि अब कहाँ तक पहुँच चुके थे हम, 1/14 तक पहुँच चुके थे। अगर अब मैं दोनों साइड अगर मैं डिवाइड लगा देता हूँ कितने से, 15 से, तो ये कितना बन जाएगा 6:2/3% इज इक्वल टू 1/15 बन जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, लगभग 6.66 के इक्वल होती है। अब इसके बाद मैं बात करूँ अगली फ्रैक्शन की, तो 1/16 भी यूजफुल है, 1/16 इज इक्वल टू 16:1/4% इज इक्वल टू 6.25%। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट फ्रैक्शन की, नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/20 इंपॉर्टेंट है, 1/25% के, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट ये कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद जो फ्रैक्शन बचती है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, 1/25 इंपॉर्टेंट है, 1/25 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है जो भी मैं लिख रहा हूँ अभी, मैं बताऊँगा कौन सी याद, जो अभी अभी तक लिखी है सबको याद करना है, जो मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा उनको तो आप बनाना सीख जाएंगे, तो बनाना भी सीखेंगे कैसे अभी मैं बताता हूँ। तो ये 4% के इक्वल होती है, और इसके अलावा 1/40 2.5% के इक्वल होती है, या 2.5% 2:1/2% के इक्वल होती है। इसके अलावा 1/50 किसके इक्वल होती है, 2% के इक्वल होती है। तो आपको इतनी तो मतलब याद करनी है, जो मैंने मिटा दी पिछली बार, मैंने बोला था उसको वीडियो को रोक के नोट कर लेना, तो आपने इतनी तो याद कर ली। अब मैं इनको सभी को, इतनी आपको याद करनी है,
अब मैं इनको मिटा रहा हूँ और अब इनका एक और मतलब समझा रहा हूँ यहीं पे। जैसे मैं एक कोई लेके समझा दूंगा, दो कोई, तो इन सभी को भी मिटा रहा हूँ, उनका मतलब समझाऊंगा। अब आगे चलेंगे, आप इसमें आप रेशियो ही ज़्यादातर यूज होगा। जैसे अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अब इतना हो गया ठीक है। अब इतना होने के बाद अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब आप हेडिंग डालेंगे, इतनी परसेंटेज हो गई, इतनी आपको समझ में आएगी। अब हेडिंग क्या लगाएंगे, अब हेडिंग लगाएंगे पहला, ये हेडिंग है परफेक्शन। वैसे तो मैंने करा ही दिया, लेकिन फिर भी अलग से लिखवा के करवा देता हूँ। ये तो मैंने सिखा दिया कैसे बनती है यहीं से डेफिनेशन से, लेकिन अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। अगर 1/2 फ्रैक्शन दिया आपको, तो इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट से, परसेंट का साइन लगा देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 50% के। और जो वो वाली फ्रैक्शन थी पिछली वाली, वो आपको याद करनी है और वो ऐसे ही नोट डाउन करनी है। वो बनेगी कैसे, मैं यहाँ से बता देता हूँ। वैसे पिछले केस से भी बनाना सिखा दिया, अब यहाँ से स्पेसिफिक एडिंग डाल के भी सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद 1/3 को लिख लो। अब 1/3 को नहीं, 1/4 को, मैं तो बस बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनती है। तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 25% बन जाएगा। और 1/4 आज की क्लास पूरी बेसिक वहीं चली जाएगी, इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटू 100% इज इक्वल टू 20% के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे ही चलते रहेंगे, आप बनाना सीख जाएंगे। वो तो आपको याद करना ही है, वो तो अब मैं बनाना सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं यहाँ पे क्या सिखाऊंगा, परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन को बनाना सिखा दिया, फ्रैक्शन से परसेंटेज, सॉरी। अब मैं परसेंट फ्रैक्शन, अब मैं क्या सिखाऊंगा, उल्टा सिखाऊंगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे आपको दिया 25%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब ऐसे भी आपको वहीं दिया रहता, क्या दिया रहता, मान लो कोई नंबर दिया, जैसे 20% दिया, तो क्या 20/100 इज इक्वल टू 1/5, ये किसमें हो गया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसी का सब खेल लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी परसेंटेज की। अगर ये समझ में नहीं आई तो ये तो मतलब इसका यूज समझ में नहीं आया, ये तो खैर सबको समझ में आती है। इसका अगर यूज समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हो गया। अब आप चलेंगे आगे, अब सीखेंगे और आगे की चीज़ें। अब और आगे की चीज़ें मैं क्या सीखेंगे, अब दोनों मैंने सीख लिया कि दोनों कन्वर्ट करना। अब इस हेडिंग को मैं हटाता हूँ, इस हेडिंग को हटा के अब क्या चलेंगे, अब चलेंगे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर अब जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 3/5, पहले तो मैं बोल रहा हूँ देखो पिछली वाली जो फ्रैक्शन थी उसको पहले वीडियो को रोक के फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन आना चाहिए। कहाँ तक, जो मैंने शुरुआत में लिखाई थी 1/50 तक। जैसे मैं बोलूंगा 1/3 इक्वल टू, तो आपको एकदम बताना 3.3% या 3:1/3%। और जैसे मैं बोलूंगा 1/4 इज इक्वल टू, तो आपको एकदम बताना 24%, 25%। अगर मैं बोलूंगा 1/12, तो आपको बताना 8:1/3%। अगर मैं बोलूंगा 1/14, तो आपको बताना 7:1/7%। अगर मैं बोलूंगा 1/20, तो आपको बताना 5%। अगर मैं बोलूंगा 1/25, तो आपको बोलना 4%। तो इतनी स्पीड से आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ 1/8%, 1/8 फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, तो परसेंटेज में 12.5% या 12:1/2%। अगर मैं उल्टा पूछूँ, अगर मैं उल्टा पूछूँ 12. अगर मैं उल्टा पूछूँ 6:1/4% परसेंटेज का फ्रैक्शन में मतलब क्या हुआ, तो इक्वल टू 1/6%, 1/16 फ्रैक्शन में। अगर मैं पूछूँ 6:2/3%, तो फ्रैक्शन में कितना होगा, इज इक्वल टू 1/15। अगर मैं पूछूँ अगर मैं अब पूछूं कि थ्री अगर मैं ऐसे पूछूं कि 3/5 का फ्रैक्शन में परसेंटेज में मतलब क्या होगा, तो मैं बेस को पकड़ूंगा, बेस को पकड़ूंगा 5, 1/5 का मतलब क्या होता था, 20%। तो 3/5 का मतलब 3×2 यानी कि 60% होगा। इतनी जल्दी से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मैं पूछूँ आपको 1/9 का मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 11:1/9% या 9 11.11%। अगर मैं पूछूँ 1/11 का मतलब क्या होगा, तो परसेंटेज में, तो 9.09
परसेंट, तो इतनी जल्दी से आपको याद होनी चाहिए। उसके लिए पहले आप वीडियो को रोकोगे और उसको ढंग से याद करोगे, तभी आगे की चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप ये फ्रैक्शन है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कर तो कोई भी लेगा, ऐसे इंटू 100% करके फिर इसको इससे कैंसिल करोगे 60%, बस इसी में एग्जाम में सारा टाइम लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद ही नहीं हो रही वो, फिर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। ऐसे तो कोई भी हर आदमी कर लेता है, इससे आपका औरों से अलग कहाँ होगा, इससे आपका कॉम्पिटिशन क्लियर कहाँ होगा। तो उस चीज़ को पहले आपको याद करना है, और फिर कैसे करना है। अब जैसे मैं पूछूँ, अब मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, जैसे हाँ अब मैं एक कॉमन हेडिंग लगा रहा हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज की एक हेडिंग लग रही है, जो बड़ा बड़ा कन्वर्जन है उसको। जैसे मैं पूछूं 3.5 का परसेंटेज में मतलब क्या हुआ, तो मैं बेस को पकड़ूंगा, मैं बेस को पकड़ूंगा, बेस में क्या है 5, तो 1/5 का परसेंटेज में मतलब क्या होता था, मैं बोलूंगा 20%। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अगर जैसे मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, जैसे सॉल्व करते हैं कुछ लोग, तो इंटू 100 और परसेंटेज का सामान लगा दिया, तो यहाँ से भी 60% आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो टाइम की बर्बादी होगी, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। अब कैसे करना, 3.5, 3.5 को मैं देखूंगा, 3.5 में बेस क्या आ रहा है 5, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन याद करने की बोली थी। तो बेस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, अगर बेस 5 आ रहा है, तो 1/5 का मतलब क्या होता था परसेंटेज में 20%, तो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स उसका क्या हो जाएगा 60%। अब अगर मैं ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 4/5 का परसेंटेज में मतलब क्या होगा जल्दी से, तो 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 4 टाइम्स है, तो 80%। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे वही दूसरी चीज पूछता हूं, जैसे मैं पूछता हूं 4/25 का परसेंटेज में मतलब क्या होगा, तो 1/25 का मतलब क्या होता है 4% और ये 4 टाइम्स है, तो 16%। इतनी स्पीड से आपको आना चाहिए। वैसे अगर बेसिक से करना है तो इंटू 100% करके कर लो, मैंने बोला कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन केस में ये बताना चाहूंगा, अगर कोई फ्रैक्शन ऐसी बन रही है जिसका हमें अपॉन का नहीं पता, तो उसको वैसे ही कर लेंगे इंटू 100% करके। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एग्जाम में कैलकुलेशन रहेगी, वो हमने बेस जिस पे याद की है उन्हीं पे आएगी। लेकिन ऐसा हो जाता है इन केस, तो अगर उन बेस पे नहीं रहती, जैसे 25 जैसे हमने बेस अभी याद करने की बोली थी, लेकिन उन बेस के अलावा आ रही है, तो आपको उससे मैंने बताया दिया कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं अब बोलता हूँ कि 5/6 का परसेंटेज में मतलब क्या होगा, तो 5/6 का मतलब 1/6 का क्या होता है, मुझे तो पता है 18 83:1/3% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब 1/6 का क्या होता है, 1/6 का 16:2/3% होता है। इतनी बात से सब मानते हैं, इतनी बात को सब मानते भैया, 16:2/3% होगा। अब मैं अब 5 है क्योंकि ऊपर, तो क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज है, ये परसेंटेज तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना सीखो कैसे करते हैं। इस फ्रैक्शन का 16:2/3% का मतलब क्या हुआ, 16:2/3% का मतलब क्या हुआ भैया, मुझे इतना बताओ, 16:2/3 इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, इसका मतलब होता है अगर ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दी रहती है 16+2/3, यही तो होता है इसका मतलब। और ये क्या हुआ, पहला मैं तरीका बता रहा हूँ, तो 3 16 48 और 48+2 यानी 50/3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, तो 5/3 × 5%, अब ऐसे लिख दिया, अब मुझे फिर से इसको मिक्स्ड में करना, अब ये 250/3 बन गया। अब इसको मिक्स्ड में लिखना है, 250/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, 250/3 को मिक्स, अब जब 3 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, पहले 3 से डिवाइड देंगे कितने टाइम्स आएगा 8, फिर 3 टाइम्स। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और अपॉन में क्या था, किससे डिवाइड दे रहे थे 3 से। अब आप इसको जब डिवाइड, जब इसका मैंने मतलब क्या बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन का, कि ऐसे लिखा हुआ, तो 83+1/3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 83+1/3, और जब आप एलसीएम लोगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे, तो कितने परसेंट हुआ, इतने परसेंट। ये बात भी समझ में आती है, ये बात सबको समझ में आती है कि यहाँ पे अगर 250/3 ऐसे फ्रैक्शन में दिया है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले जहाँ तक डिवाइड जा रहा है वो लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो डिवीजर है उसको नीचे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको चेक करना है गलत है कि सही है, तो 83+1/3 कर देंगे, 83+1/3 जब करेंगे तो यही बात आ जाएगी 250/3, तो ये सही है। इसका मतलब क्या होता है 83+1/3, और इसका मतलब क्या था 16+2/3। अगर इसका मतलब ये था तो मुझे एक चीज पता है, अब मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा इसको कन्वर्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी,
इसको मैं कन्वर्ट अप कैसे करूँगा, जैसे 5/63 है तो एक तो 83:1/3 वहाँ से आ गया, लेकिन मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं अगर करूँगा तो मैं इनटू परसेंट, मैंने पता है परसेंट मैंने बाल ले लिया तो मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, 16:2/3 ठीक है, और इनटू 5 है बार। अब मुझे ये भी पता है क्या हो जाएगा इसका, अगर इनटू करूँगा इससे, क्योंकि ये इतना तो सबको पता ही होगा 16:5, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16:5, क्योंकि मुझे बाद में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज की हुई ऑप्शन दिया हुआ है तो मुझे पहले से ही मिक्स्ड में बना लेनी चाहिए। पहले मैं उसमें बनाऊँ, फिर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर से ले जाऊँ, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं कैसे करूँगा, 2/3 × 5, और ये क्या हो गया, परसेंट। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं इतना टाइम लगेगा नहीं जब आप प्रैक्टिस कर चुके। तो 80+10/3, और 10/3 को मन में सोच लेंगे कितनी बार और भाग चला जाएगा, 3 बार, तो 3:1/3, और परसेंट बार। अब ये 80+3:2, अब इसका भी मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, इसका भी मतलब फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3+1/3। अब 80+3 कितना हो जाएगा, 83। 80+3 कितना हो जाएगा, 83, और 2/3% हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई कैसे करते हैं, एक में ढंग से सिखाया। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या भी होता है, 16+2/3, 16+2/3 को अगर कैलकुलेट करेंगे, एक तरीका तो 16×3+2, उसको पहले फ्रैक्शन में बनाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा के प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया तो 50/3 हो गया, × 50, 250/3, 250/3 बन गया 8। अब इसको फिर से डिवाइड दो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए। एक तरीका, इसको 16+2/3 लिख लिया, × 5, बार था तो अंदर एक हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 5+2/3 × 5, फिर 80 हो गया, इधर इधर 80 हो गया, तो इधर 10/3 हो गया। 10/3 को मैंने मन में क्या लिख लिया, 3:1/3, और 3:1/3 को 80+3+1/3 भी लिखा जा सकता है, तो 83 हो गया, 83:1/3%। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब और आगे बात पर चलते हैं, आगे क्या होगा मैं और बताता हूँ कन्वर्ट करना, फिर आप इसको पे बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे घर पे, फ्रैक्शन ले लेके, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई, अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो पूरे टॉपिक में आपको दिक्कत रहेगी और आपका परसेंटेज कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, जो भी बेस मैंने दिए हैं उन उनको अपॉन में लेके उन पे फ्रैक्शन बना बना के देखनी है, उनको लिख के देखना है। अब मैं और कुछ और फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं एक और फ्रैक्शन देता हूँ, जैसे कोई मान लो फ्रैक्शन दी है, एक और 3/20 फ्रैक्शन दिए, 3/20, 3/20 जल्दी से मैं सोचूंगा। 1/20 का, 1/20 का मतलब क्या होता है, 5%। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5%। 1/20 का मतलब 5% होता है, तो इसका 3 टाइम्स यानी 15% हो जाएगा। अगर मैं भाई ये बात करूँ भैया 7/20 का, तो 7/20 की बात करूँ, 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का 5%, 1/20 का 5%, ये 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स कितना चला जाएगा, 7 टाइम्स कितना चला जाएगा, 35%। फिर 9/20 कर लेता हूँ मैं, 9/20 का मतलब क्या, 1/20 का मतलब 5%, तो 9 × तो कितना हो जाएगा, 45%। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूँ 11/20 अगर मैं पूछता हूँ, तो 11/20 कितना होता है, 5%, 11 कितना हो जाएगा, 55%। अब ये हुआ आपकी प्रैक्टिस इस पर। अब मैं कुछ और प्रैक्टिस लेता हूँ, जैसे अभी आपने देखा नीचे हमेशा बड़ा वैल्यू थी ऊपर वाले से, अगर नीचे छोटी रह जाए ऊपर वाले से तब क्या करेंगे, अब देखते हैं। अभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज चल रहा है, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन चलेगा बड़ी वैल्यूज का, और फिर मैं परसेंटेज की एक मतलब बताऊंगा, और इस तरह से क्लास होगी आज की। परसेंटेज की एक और मीनिंग बताऊंगा कि परसेंटेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अभी तो सिर्फ ये कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, फिर आपको इनकी बाद में इंपोर्टेंस बताऊंगा क्या होती है, बाद में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, मैं बताऊंगा क्या होती है। अगर मैं बोलूं आपसे 11/8 का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज में क्या होगा, तो 11/8 का एक तरीका तो मैंने बताया क्या होता है, 1/8 का क्या होता है, 1/8 का 12.12:1/2%, और ये 11 टाइम्स है तो 11, ठीक है। अब ये 1/32, ये कितना हो जाएगा, 1/32 1/32+11/2, इधर +11/2, मैंने ये तो मैंने बता ही दिया कि इसका मतलब क्या होता है, बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसी में टाइम चला जाएगा। 1/32+11/2,
वन थ्री टू प्लस एलेवन बाई टू परसेंटेज में है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, वन थ्री सेवन, जब यहाँ से डिवाइड लगेगा तो वन थ्री सेवन प्लस वन अपॉन टू, या मैं ऐसे भी कहूँ, चलो एक बार बता देता हूँ, वन थ्री टू प्लस फाइव एस टू वन बाई टू, इतनी बात सबको समझ में आई, और परसेंटेज तो बाहर लगाइए। अब ये फाइव इधर, इसका भी मतलब क्या होता है, फाइव प्लस वन अपॉन टू होता है, अब यहीं से सुन लेना, इसका मतलब क्या होता है, फाइव प्लस वन अपॉन टू, और इसका मतलब अगर फाइव प्लस वन अपॉन टू होता तो वन थ्री टू प्लस फाइव कितना हो जाएगा, वन थ्री टू प्लस फाइव वन थ्री सेवन हो जाएगा, वन थ्री सेवन अपॉन वन थ्री सेवन वन अपॉन टू परसेंट, इतना मतलब आ गया यहाँ से, तो वन अपॉन एट फ्रैक्शन का मतलब इतना होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से करता, तो दूसरे तरीके से मैं कैसे करता, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। पहले फ्रैक्शन को याद करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन मैंने बोली थी याद करने की, उनको सभी को याद करेंगे। अब मैं क्या बोलूँगा, क्या मैं इसको डिवाइड दूंगा, तो इसको वन इज वन थ्री वन इज टू थ्री बाई एट नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, तो क्या मैं इसको वन इज टू थ्री बाई एट नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको वन प्लस थ्री बाई एट भी लिखा जा सकता है, सही है। अब वन फ्रैक्शन का मैंने मतलब क्या बताया था, वन फ्रैक्शन का जब शुरुआत में लिया था तो मैंने, तो परसेंट इज इक्वल टू क्या बनना था, परसेंट इज इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड, तो जब हंड्रेड इधर जा रहा था तो वन फ्रैक्शन का मतलब क्या बनना था, हंड्रेड परसेंट, तो यानी हंड्रेड और प्लस थ्री बाई एट का मतलब क्या बनेगा, ये हंड्रेड परसेंट है, परसेंट क्योंकि मैं बाहर ही ले लूँगा तो मुझे पता, तो अभी नहीं लिख रहा, सभी में लिख दूंगा, और थ्री बाई एट, तो वन अपॉन एट का मतलब क्या बताया था, टू अपॉन टू इज टू वन बाई टू इंटू थ्री, ये परसेंट है, और परसेंट मैंने सबकी बाहर ले ली क्योंकि इन दोनों से कॉमन भी आनी है, तो ये हंड्रेड और ये टू इज टू वन बाई टू इंटू थ्री, तो यानी ये हंड्रेड हुआ, और ये हंड्रेड होके, किसी किसी को दिक्कत भी हो रही होगी क्योंकि उसने फ्रैक्शन रिवाइज नहीं करी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और रेशियो का भी बेसिक अभी यूज होगा, तो अब पिछला तो लगना ही है, अगर पिछले वो नहीं पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और आपको चीज़ों में क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो पिछले से रिलेट करेगा, और तभी चीज़ों का फ़ायदा निकलेगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि डायरेक्ट क्लास लेने चले आए, पिछली क्लास में कुछ मेहनत नहीं करी है तो कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने पिछली क्लास को इतने बेसिक से और अभी भी इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको पिछली बात अगर याद नहीं रह पा रही है तो आप उनको बार बार प्रैक्टिस पर डालो और वो आपको याद होने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हंड्रेड प्लस तो ये कितना हो जाएगा, 36, 12 प्लस वन अपॉइंट टू मतलब होगा, तो इसका मतलब 12 प्लस वन अपॉइंट टू मतलब होगा इस फ्रैक्शन का, तो 12 प्लस यानी कि 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 बन जाएगा, और प्लस वन अपॉइंट टू से होगा तो थ्री टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसी से हो रहा है तो थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा, इतनी बात सबको समझ में आई। अब ये थ्री अपॉइंट टू ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो इसको भी फिर से क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस 36 प्लस वन इज टू वन बाई टू, इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन बाई टू, तो 100 प्लस 36 प्लस वन यानी वन थ्री सेवन, इतना टाइम लगेगा नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, मुझे तो डायरेक्ट ही पता था इसका आंसर, वन थ्री सेवन अपॉन वन अपॉन टू, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब पता है आप क्या करो, वन इलेवन अपॉन एट घर आया, ठीक है, तो वन प्लस थ्री अपॉन एट, ठीक है, तो ये हंड्रेड हंड्रेड और थ्री अपॉन एट का मतलब क्या होता है, 37.5, तो 100 प्लस 37.5 वन थ्री सेवन पॉइंट फाइव, और वन थ्री सेवन पॉइंट फाइव ही क्या है ये, और आंसर आ गया, इतना बस इतना टाइम लगेगा, और अगर इतना टाइम लगेगा तो आपका जैसे आंसर आ गया फाइनल, अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे फिर इंटू हंड्रेड करते रहोगे, फिर उसमें इतना टाइम लग जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। जब आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होंगी तो आप बहुत 20 सेकंड में क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उसको आप कर पाएंगे, तो ये तो हुआ इसको कन्वर्ट करना। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल कैसे होगा।